तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कुक फैक्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पकौड़े, वो भी थोड़े डिफरेंट स्टाइल में। अगर आपको ये रेसिपी सीखनी है तो आपको इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना होगा। आप इस वीडियो को अगर आखिर तक देखेंगे तो आप हर एक स्टेप ध्यान से देख सकेंगे, उसे समझ सकेंगे और जब आप अपने घर में बनाएंगे तो वो परफेक्ट बनेंगे। आप अगर जल्दबाजी में देखते हैं तो कुछ ना कुछ स्टेप्स आप मिस कर जाते हैं और आप जब अपने घर में बनाते हैं तो वो चीज़ सही से बनती नहीं है। इसके लिए ये वीडियो आप आखिरी तक देखिए और इसे फॉलो भी कर सकेंगे। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्रियाँ लगेगी वो देख लेते हैं। मैंने दो आलू लिए हैं जिसे मैंने धो लिया है अच्छे से, मीडियम साइज़ के आलू हैं ये। तलने के लिए और मूंग के लिए मैंने एक बड़ी कटोरी जितना तेल लिया है। चावल का आटा लिया है मैंने 2 चम्मच जितना। बेसन लेंगे हम 2 से 3 चम्मच जितना। नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार। हरी मिर्च ली है 2 मैंने, जिसे धो के मैंने बारीक चॉप करके लिए हैं। फ्रेश हरे धने के पत्ते लिए हैं जिसे धो के मैंने बारीक चॉप करके लिया है। पहले जो मैंने आलू लिए हैं इसे मैं इसका छिलका निकाल लूँगी, इसे मैं पिल कर लूँगी। इस पकौड़े को आप अपने घर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये थोड़े डिफरेंट होते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। रोज़ रात 9 बजे मैं कुक फैक्ट्री पे एक नया वीडियो अपलोड करती हूँ, एक नई रेसिपी के साथ आती हूँ स्पेशली आप सब के लिए। आप रोज़ रात 9 बजे कुक फैक्ट्री ज़रूर देखिएगा ताकि आप मेरी हर वीडियो देख सकें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा तो आपको रोज़ अपडेट मिलते रहेंगे उसके। अब आप देख सकते हैं हमारे आलू के छिलके, हमने दोनों आलू के छिलके निकाल लिए हैं। अब मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसमें मैंने पानी ले लिया है और इसे हम ग्रेट कर लेंगे। अच्छे से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। मैंने बहुत सारे पकौड़े बनाए हैं अपने चैनल पे, आप चाहें तो वो सारे देख सकते हैं। मैं आई बटन पे इसका लिंक शेयर कर दूंगी तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। मैंने सिंधी सना पकौड़ा बनाया है, फिर मैंने मिर्ची के पकौड़े बनाए हैं, दूधी के पकौड़े बनाए हैं, आलू के पकौड़े बनाए हैं, बहुत सारे पकौड़े बनाए हैं मैंने, तो उसका लिंक मैं आपके साथ आई बटन पे शेयर कर दूंगी तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और जो चटनी इसके साथ मैं सर्व करने वाली हूँ वो भी मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार आप सबके लिए आई बटन पर उसका लिंक शेयर कर दूँगी तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। जो चटनी हमने बनाई है हरी चटनी, वो आप बाजार जैसी ही अपने घर में बना सकते हैं, एकदम कंसिस्टेंसी भी वैसी होगी और कलर भी वैसा ही होगा। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किया है जिससे हमारी चटनी एकदम बाजार जैसी ही बनती है, मगर वो जानने के लिए आपको चटनी का वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। तो मैंने आई बटन पर लिंक शेयर कर दिया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। मैंने जो इसमें चावल का आटा ऐड किया है, चावल का आटा डालने से जो पकौड़े हम बनाते हैं वो एकदम क्रिस्पी होते हैं। आप कोई भी पकौड़े बनाएं अगर आप उसमें 2 चम्मच जितना चावल का आटा ऐड कीजिए और देखिएगा पकौड़े एकदम क्रिस्पी बनेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से ग्रेट हो चुका है ये। अब मैं एक बाउल ले लेती हूँ साइड में और इसका पानी निचोड़ के मैं इस बाउल में आलू को डाल दूँगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं हमने पानी को और आलू को अलग कर दिया है। अब हम आलू में मसाले कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने नमक ले लिया है स्वाद अनुसार। हरी मिर्च ले लेंगे हम। आपके पास अगर
पेस्ट हो अवेलेबल अदरक और मिर्च की तो आप ये भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हरे धनिये के पत्ते डाल दिए हैं हमने यहाँ पे, बेसन डाल देंगे हम इसमें, 2 से 3 चम्मच जितना मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ। दो चम्मच हम लेंगे चावल का आटा, इससे पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी क्योंकि जो आलू था वो हमने पानी में भिगो के रखा था, उसमें भी थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो मैं पहले आलू को अच्छे से मिक्स कर लूंगी आटे के साथ, फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेना है हमने इसे। ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे के साथ। पानी बिल्कुल भी एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी आप इसमें ऐड कीजिए। मैंने साइड में तेल भी रख दिया है गरम होने के लिए। अब आप देख सकते हैं हमारा बैटर एकदम रेडी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें 1 चम्मच जितना मोन डाल देंगे तेल का और चुटकी भर हम सोडा डाल देंगे, खाने वाली मीठी सोडा, जिससे जो हमारे पकौड़े हैं वो एकदम अच्छे से फूलेंगे भी और अंदर से अच्छे से कुक भी हो जाएंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो सोडा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब जो मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है वो भी एकदम गर्म हो चुका है। अब हम पकौड़े फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसे डब्बे में भी लेके जा सकते हैं, सुबह नाश्ते में, रात को डिनर में भी ले सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। पकौड़े तो सभी बनाते ही होंगे मगर ये थोड़े अलग टाइप के हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इनमें इसमें ऑनियन भी डाल सकते हैं और गार्लिक भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। हमने दोनों साइड पलट के उसे गोल्डन होने तक फ्राई करना है। मैंने फास्ट फ्लेम में इसे डाला था और जब मैं इसे डाल देती हूँ उसको पलट लूँगी तब मैं फ्लेम जो है वो मीडियम फ्लेम पे इसे पकने दूँगी ताकि वो अंदर से कच्चे बिल्कुल भी ना रहें, अंदर तक पक जाए, इसलिए मैं जो फ्लेम है वो मीडियम पे रखूँगी। तीन से चार मिनट में ये डीप फ्राई हो जाते हैं, एकदम रेडी हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने फूले हैं और कितने बढ़िया लग रहे हैं, पकौड़े की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आपको अगर पकौड़े बनाते समय कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी तकलीफ आती है या कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। और अगर आप कोई नई रेसिपी हमसे सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई अच्छी सी वीडियो बनाएं, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वो वीडियो स्पेशली आपके लिए ज़रूर बनाऊँगी। आप देख सकते हैं ये गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं।
हमारे पकौड़े एकदम रेडी हैं। अब हम इसे चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इसे देख के कुछ सीख सकें और अपने घर में कुछ नया बना सकें। रोज़ रात 9 बजे कुक फैक्ट्री पे मैं एक नया वीडियो अपलोड करती हूँ, स्पेशली आप सबके लिए एक नई रेसिपी के साथ आती हूँ। तो रोज़ रात 9 बजे कुक फैक्ट्री देखना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर लव एंड योर सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर।